अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं मोम कुकिंग्स, और आज हम बना रहे हैं मूली वाले पराठे। और मैंने कहा चलो ये भी रेसिपी आपको दिखा देती हूँ। और ये रही हमारी मूलियाँ जो मैंने छील ली हैं और अच्छे से धो ली हैं। और अभी इनको कद्दूकश करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हम कद्दूकश करने लगे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ग्रीक साइड से कर रही हूँ, पहले मोटी साइड से की थी। इसी तरह से सारी मूलियाँ कद्दूकश कर लेनी है। ठीक है जी, मूलियाँ मैंने अच्छे से सारी कद्दूकश कर ली हैं। अभी इनका पानी निकाल लेते हैं हाथों से निचोड़ कर, और फिर आपको दिखाते हैं। देखें जी, ऐसे पकड़नी है और ज़ोर ज़ोर से दबाना है ताकि इनका पानी जो है जो अच्छे से निकल जाए। देखें ये देखे जी, हमारी पानी जो है अच्छे से निकल गया। इसी तरह से सभी में से निकाल लेना पानी। ये देखें जी, हमारी मूलियाँ जो मैंने इनका जो मैं पानी निकाल रही थी इनका, वो अच्छे से निकल गया। देखिए कितनी ड्राई हो गई हैं, खुशक हो गई हैं ये। और अभी हम इसमें और क्या क्या डालेंगे ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, अभी हम इसमें डालने लगे हैं बाकी का सामान। ये रहा इसमें कुछ एक अदद प्याज है जो मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया, और ये सब्ज़ धनिया है, हरा धनिया मैंने इसे भी काट लिया बारीक बारीक, और ये हरी मिर्चें हैं कुछ, मैंने इन्हें भी बारीक बारीक काट लिया। और इधर ये सूखा धनिया है, और ये ज़ीरा है। अभी साथ साथ डालते हैं चीज़ें और आपको बताते हैं और क्या क्या डाला हमने इसमें। जी ये रही हमारी मूलियाँ। अभी हम इसमें डाल रहे हैं ये प्याज, और ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। और ये रहा ज़ीरा, ज़ीरा डाल रहे हैं हम इसमें। और ये खुश्क धनिया जो था, सूखा धनिया, इसे हाथों की हथेली में डाल के अच्छे से क्रश कर लेना है, ऐसे हाथों के साथ मल लेना है, फिर इसमें डाल देना, यानी कि हथानियाँ तलियाँ के बीच पा के चंगी तरह इन मसल लेना, फिर पाना, फिर खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अच्छा जी, और पा लगे हैं एक टेबल स्पून गर्म मसाला, टी स्पून गर्म मसाला डाला मैंने इसमें पिसा हुआ मिक्स गर्म मसाला, ये मिक्स गर्म मसाला। और लाल मिर्चा पीसिया हुई हैं, यानी कि सूरत मिर्चें पीसी हुई, ये अपने हसबे जायका आप डाल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, आप कितनी खाते हैं। और नमक डाल रहे हैं हसबे जायका। टेस्ट करने का कम होगा तो फिर ज़्यादा डाल लेंगे। और दो तीन चुटकियाँ हल्दी डाल रहे हैं हम, हल्की सी भी ज़्यादा नहीं। और अभी से अच्छी तरह कर लेते हैं मिक्स। देखिए जी, हमारा मिक्सचर जो है कि मैंने अच्छे से तैयार कर लिया, मिक्स कर लिया।
जी हमारा मूलियों का मिक्सचर जो है वो तैयार है। अभी हम आटा गूंद लेते हैं पराठों के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमने आटा छान लिया है पराठे बनाने के लिए। ये रहा हमारा आटा और ये पानी है जग में। और अभी हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसे गूंदे में पानी डालकर वो भी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, मैंने अच्छे से छान लिया था आटे को। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदेंगे। ये देखें जी, हमारा आटा जो है ये भी मैं गूंद रही हूँ। देखें जी, आटा गूंद रहे हैं। कासा पानी लगा लेंगे आटे में, ताकि आटा जो है हमारे आटे के साथ चिपके ना जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा तैयार है। तो कुछ देर के लिए हम इसे रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखें जी हमारा आटा तैयार है, हमने गूंद लिया अच्छे से और कुछ देर के लिए इसे रख देते हैं। उसके बाद हम पराठे बनाएंगे और फिर वो भी आपको दिखाते हैं। इधर हम बनाने लगे हैं मूली वाले पराठे। और ये तवा जो है मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, ये गर्म हो रहा है। ये रहा हमारा खुशक आटा और ये जो हमने गूंदा था। चलिए पेड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाह से मैंने लिया, ये खुशके में डाला और ये रहा हमारा पेड़ा। ये देखो तकरीबन इतने इतने पेड़े बनाएंगे हम, सारे पेड़े इतने ही बनाएंगे हम। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और उन्हें भूख लगी होगी, तो मैंने कहा चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, तब तक वो भी आ जाएंगे, गरम गरम खा लेंगे। ये देखें जी अभी हम सब पेड़े बेल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए इस तरह से। ये देखें हमने यहाँ बेल लिए हैं सारे, और अजानें हो रही हैं और अजानों के बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रोटियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पराठा बना लिया, उसकी वीडियो नहीं बनाई। ये देखिए जी बनाएंगे पराठे मूली वाले। ऊपर मूलियों का मिक्सचर लगा देंगे। हल्का हल्का लगाऊंगी, ज्यादा नहीं लगा रही क्योंकि मेरे बच्चे कम खाते हैं, ज्यादा मिक्सचर वाले नहीं खाते पराठे। आप चाहें तो ज्यादा भी लगा सकते हैं।
अभी अच्छे से साइडों से बंद कर देंगे। इसे बेल लेते हैं, हल्का हल्का सा थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। अभी हम तवे पे डाल रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे हमने तवे पे डाल दिया पराठा अपना, ले रहा इसे पकने देते हैं। घी लगा रही हूँ ऊपर, हमारे घर में घी वाले पराठे खाए जाते हैं, कुकिंग ऑयल वाले नहीं पसंद करते, खाते नहीं है। घी लगा दिया, घी लगा दिया, बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो मैंने पहले पराठा बनाया था ये वो है, देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़्यादा कलर आया। देखिए हमारा पराठा तैयार है, अभी हम प्लेट में निकाल लेते हैं इसे और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी हमारे पराठे तैयार हैं जी, हमने पराठे तैयार कर लिए हैं। ये दो पराठे हैं जो एक मैंने पहले बनाया था और एक बाद में। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अपने घरों में खुश रहें, अपने माँ बाप में, अपने बहन भाइयों में, अपने भी बच्चों में, और हमें भी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पराठा ज़्यादातर मूली का जो है ये रायते या चाय के साथ खाया जाता है, लेकिन मेरे बच्चे केचप के साथ खाते हैं इसीलिए मैं उन्हें केचप दूँगी। और आप चाहें तो चाय के साथ भी खा सकते हैं और रायते के साथ भी। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।